आप संत तो खुश हो गए, नित्यानंद प्रभु गुरु खुश हो गए, भगवान अपने आप मिल गए। फिर लास्ट में जब उन्होंने तब तक उनको पिता माता पकड़ पकड़ कर लाए, बोले कब तक, बोले जब तक उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का शरण में नहीं गए। लेकिन जब उनकी और साधु संतों की कृपा, वैष्णव का कृपा मिल गया, लास्ट बार गए तो गए, फिर उनको वापस नहीं ला पाए, उनको वापस नहीं ला पाए उनको है। इसलिए नित्य विनय भाई राधा कृष्ण पाए देना है दृढ़ करे धर नित्य पाए। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़ी जोर कर पकड़ो, इनको जोर करके पकड़ो, अगर जोर करके पकड़ोगे ना वास ठाकुर हमें अपने आप ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएगी। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी कबीर जी को ध्यान से सुनो, वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते पुरी सिर कीट है ते मुई से लदिष्ट, जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट, मोर जय नाम लय तार पुण्य थे, मोर जय नाम सुन तार पाप है, एमन निर्भिन्न मरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत मा जाए। देखो ये नित्यानंद प्रभु कितने दयालु कितने कृपालु कैसे कह रहे हैं। कहते पूरी श्री कीट है थे मुई से लगिष्ट, मतलब क्या पूरी, मतलब होता है विष्टा, विष्टा में जो कीड़े होते हैं ना, कहते उससे भी मैं ज्यादा गया बिना हूं। और जगाई माधाई कल सुन रहे थे ना, ये जगाई माधाई इतने पापी थे, और जो जमदूत देख करके जाकर बोलते थे चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त को बोल, चित्रगुप्त तो डंडा लेकर उनको मारने भागता था। बोले दो व्यक्ति कभी इतना पाप लग सकते हैं, आज ये किया आज ये किया आज ये किया, तो दिन भर इसका ही पाप लिखते रहूंगा। तो काफी लिखते 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 पूरा घर भर गया। बोले भैया वो सोच रहे थे इतने पाप कर रहे हैं भैया, कितने काल के लिए नरक के कीड़े बनकर भोग करते रहे, इतना गुस्सा हो जाता था, इस लिखकर पागल हो जाता था, इतने पाप करो कर सकते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखो इतने दयालु, कल सुन रहे थे ना दोनों क्लियर करते, और नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए। लेकिन महा नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, महाप्रभु से चक्र 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 को बुलाया, सचमुच से चक्र प्रकट हो गया, और ये दोनों देख रहे काम उठे, सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया, और इन्होंने दोनों महाप्रभु के चरण में गिर गए। बोले प्रभु अपराध को माफ कर दो, माफ कर दो, हम नहीं करेंगे। लेकिन उसमें एक मारा था और एक रुका था, माथाई तो मारा था पर जगाई, बोले भैया क्यों साधु संतों को मार रहे हो, अरे रुको क्यों मार रहे हो, उन्हें रोका था हैं। इसलिए इतने में श्री नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु बोले प्रभु आपने इसी अवतार में प्रतिज्ञा किया था ना, क्या प्रतिज्ञा किया, बोले इसी अवतार में हम चक्र धारण नहीं करेंगे, इसी अवतार में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, सबको प्रेम दे करके सबको उद्धार करेंगे। आप ही बोले थे ना, बोले हाँ, बोले चक्र क्यों बुला रहे, बोले तेरे ऊपर में तू मेरे अभिन्न स्वरूप हो, तेरे ऊपर में कोई अत्याचार कर मैं सहन कर सकता हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ। इतने बोले नहीं प्रभु आप मेरे माफ कर दो। इतने में जो जगाई था बोले प्रभु माधाई तो मारा, लेकिन जो जगाई ने रोका था, जगाई ने रोका था, तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोलने प्रभु ने माफ कर दिए। बोले नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ो, इनकी चरणों को पकड़ो, तब उन्होंने उनकी चरणों को पकड़े, जब चरणों को पकड़े तब महाप्रभु ने माफ किया है। फिर इतने में माधाई बोले प्रभु दोनों मिलकर के सारे पाप किया, हम अकेले नहीं किया, हम दोनों मिलकर के, आप जो इनको कृपा करे तो मेरे को भी कृपा करो। बोले नित्यानंद प्रभु चरण में माफी मांगो, जो माफी मांगे, माफी मांगते ही बस नित्यानंद प्रभु खुश हो गए, फिर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। दोनों का अपराध देखो, महाप्रभु के शब्द बोले, बोले देखो तभी तुम्हारी दोनों का अपराध मैं ले सकता, बोले एक शब्द पर आप भी ध्यान देकर सुनो, बोले शर्त क्या है, बोले आर यदि ना करी सब दाई मन, मतलब है अगर आज से अगर तुम कोई पाप नहीं करोगे, अगर ये प्रतिज्ञा करोगे ना सब दाई मन, तभी तुम्हारी सारे पाप चले सकते हैं। इतने में कृष्ण गीता में ही बात होता है, अभी तो जो पाप कर लिया है, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना
सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज। सारे धर्म को छोड़ करके अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे प्रभु और नहीं करेंगे पाप, जो हो गया माफ कर दो। कृष्ण कहते हैं अहम तो आप सर्व पाप स्वामी, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा मां, सोचो कोई चिंता करने का बात नहीं। अगर हम श्री नित्यानंद प्रभु की शरण में कृष्ण शरण में आकर के बोल दे सब गाय पर सब कुछ मैं लेता हूँ, जगाई माधाई बोले आ मेरे पास प्रभु और नहीं करेगा, और नहीं करेंगे माफ कर दो। तब वहां पर सारे पाप बोले दिया और उन्होंने बोले एक एक लाख हरिनाम रोज रोज करो और जितने लोग स्नान करने के लिए आते उनके लिए घाट बना दो, जो घाट बनाओगे गंगा में बोले भैया इतना सुंदर कौन बनाया, बोले जगाई माधाई सब खुश हो जाएंगे, अभी तक पाप किया ना सब गाली गलौज सबको मारपीट किया है, उन्होंने रो रो करके सबका चरण छूते थे हैं। और जिस समय उन्होंने जगाई माधाई को उद्धार किया ना उसी समय में कहां पर बोले संजीवनीपुर जबपुरी में जब महाराज जब देखा भैया हम तो सोच रहे थे कितने करोड़ों साल तक नरक का कीड़े बनेंगे, लेकिन महाप्रभु ने सारे पाप को निस्तार कर दिया। वो सबके सब जितने भक्त लोग थे ना मृतक मजरा लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब ये सब कीर्तन कर रहे थे जब महाराज तो प्रेम में मूर्छा हो गए, उनमें प्रेम में मूर्छा हो गए, बोले बाबा रे महाप्रभु इतने दयालु क्या। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर एक बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं बोले दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मन नाचरे अमर मन और मेरा नाम जो सुनते हैं उसका सारे पाप होता है, कितने बड़े पाप हैं।
अगर इतने बड़े पापी को अगर कोई जगत में उद्धार करने वाले हैं तो केवल एक व्यक्ति नित्यानंद प्रभु, यही केवल इतने बड़े पाप को वही उद्धार कर सकते हो। श्री ग्रंथकार कृष्णदास के बजाज गोस्वामी कहते हैं, इसका मतलब हम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार श्री नित्यानंद प्रभु का शरण में चले जाओ, बड़े दयाल बड़े कृपाल को सारे हमारे अपराध को दूर करके हमारे हृदय में भक्ति प्रदान करने वाले। और कहते हैं नित्यानंद प्रभु का अभिन्न स्वरूप में से गुरुपाद बनना है, इसलिए गुरु जी को भी उनकी अभिन्न स्वरूप मानी गई थी। तो गुरुदेव बड़े दयालु बड़े कृपालु, जितने बड़े पापी अगर उनके शरण में आ गए तो उनको भी भगवत नाम को द्वारा उनका भी गुरुदेव कल्याण करते। इसलिए इनकी बहुत सारी कथा है, हम कल भी सुनेंगे ये कथा, ठीक है। इसलिए आज शाम को कहां पर प्रोग्राम, आप लोग कोई जा रहे हो बात करने, बैठे जा रहे हो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी 4 बजे गाड़ी जाएगी, यहाँ 4 बजे यहाँ से गाड़ी जाएगी, जो आना चाहे वहाँ पर बोगरा में है। और शाम को हमारे कोई बच्चे लोग यहाँ पर महा नित्यानंद प्रभु की कथा करेंगे, इसलिए हमको शाम को आना यहाँ पर कथा सुनना, जाएंगे प्रोग्राम के लिए वहाँ जाएंगे। कुछ लोग कौन कौन जाना चाहता है, अगर कोई जाना चाहते हो कहते आप लोग के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं, अगर जाना चाहते हो, ठीक है। हरि बोल, 4 बजे हरे कृष्ण संगमिंदु, आप जाओ अभिषेक कर, मैं भी प्रश्न आ गया। निताई पद कमला, आप कहाँ गए, तो पंडित लोग कहाँ हैं, हरे कृष्णा, हो गया उधर, हो गया तैयार है, तैयार है, ठीक है। निताई पद कमला कोटि चंद्र सो शीतल, सब बैठे आप बैठे, कोई खड़े नहीं है ना, अभिषेक होगा इस तरह से। प्रभु जी एक छतरी दे दो, एक चावल दो, एक पंडित लो, एक छतरी एक चावल भेजन दे दो, छतरी दे दो चावल दे दो, वो मयूर पंखा दे दो, दो श्री भक्तों को अब सबको दे दो, सबको एक एक दे दो। हरि बोल, इधर का ध्यान रखना, ध्यान आना कोई निकाल दो, इधर लाओ, चलो दिखाई पर काम करता है, दे दो, दे दो, हर प्रकार चंद्र सोताई पटी चंद्र सोताया I'm not afraid.
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पर जहाँ पर जन्म हुए, कैसे वो जन्म हुए, किस रूप में हुए हैं, उनको पिताजी का नाम क्या, मैया का नाम क्या, अभी वो प्रभु गा रहे हैं नित्यानंद प्रभु की जय। राधे शरणम् एकज प्रग्रहम् हराय पंडित गौर Bye.
चंद्रवांति सुरदमण कांति जगति आदि प्रेमपातम Thank you.